यहाँ का ना बोलो कोई यहाँ का नस्ता है अल्लाह तेरी इबादत करते हैं और तेरे से ही मदद मांगते हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो जमात है कि हमने जो 16 साल पहले शुरू में हमने कहा एक आजाद अलिया की बात की, मुझे क्या जरूरत है सियासत करने की, मैं तो लंदन में रह सकता हूं, मुझे क्या वो चीज है जो मुझे पाकिस्तान में लेके आई। यार रोजे बड़े लंबे हैं, यार रोजे बड़े लंबे, और दूसरी यहाँ पे जो खवातीन, मैं आपकी मुसलमान बहनों की बात नहीं कर रहा, जो हमारी नहीं, जो गोरी खवातीन खास तौर पे गर्मियों में जो इनका लिबास है, वैसे तो मैं बड़ा एंजॉय करता हूँ, लेकिन रोजे का एहतराम में फिर मुझे वापस जाना पड़ा पाकिस्तान। और आखिर में तब्दीली आने नहीं वाली, तब्दीली आ गई है। ये जहां तक ताल्लुक है गवर्नर रूम, हम नहीं चाहते हैं कि किसी का भी नुकसान हो, क्योंकि अगर नुकसान होगा तो फिर वो कहेंगे कि बनती है गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट ने लोगों की लाइफ को प्रोटेक्ट कर। ये मीडिया को किसने इजाजत दिया? ये वर्दी वाले ही नहीं इजाजत दिया है कि आप लोग आए खुल के बात करें, इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, ये सबको पता है, इसमें कोई ठग की बात नहीं है, और आप लोगों को नहीं डरना है, किसी को नहीं डरना है, अमरीका क्या चीज है, मैं अमरीका का पिट्ठू हूँ। जावेद चौधरी जानते ही नहीं? सारे जानते हैं भाई, सबको जानते हैं जावेद चौधरी, सब जानते हैं, करो या सबका पता है, ये हामिद साहब, ये अभी आपने जो जो ये जो है ये लाया, मैं ये समझता हूँ कि ये इन्होंने इन्होंने ये को पकड़ी भी है जो स्लीव जिसे कहते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि हमें तो जो 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 नॉलेज दी है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने जो 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 है वो हमें जो दिया, तो मैं ये समझता हूँ कि इस पे मैं आपके साथ थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा, और ये हमें जो 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 है जो जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने जो नॉलेज दिया है, मैं उसी के तहत बात करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रे, मैं हूँ जावेद चौधरी, फादर ऑफ फ्रांस का एक मशहूर बैंकर जिसे बेस्ट बैंकर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला, उससे आकर एक एम्प्लॉय ने पूछा कि आपकी कामयाबी का राज क्या है, बैंकर ने जवाब दिया दो लफ्ज, एम्प्लॉय ने पूछा और वो दो लफ्ज क्या है, बैंकर ने जवाब दिया सही फैसले, एम्प्लॉय ने पूछा और सही फैसले कैसे करते हैं, बैंकर ने जवाब दिया एक लफ्ज, एम्प्लॉय ने हैरान होकर पूछा और वो एक लफ्ज क्या है, बैंकर ने जवाब दिया तजुर्बा।